So, दोस्तों जब से YouTube पर YouTube ने अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी या कहें कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं, तब से लोग इस अपडेट को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, लेकिन कल मैंने शॉर्ट में इस अपडेट को समझाया था। आज हम इस अपडेट को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि क्या ये अपडेट सही है, क्या इस अपडेट से कुछ होगा, ज़्यादा लोग YouTube पर आएंगे, क्या YouTube को ज़्यादा पैसा मिलेगा। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे और ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो होगी मेरी। इसके बाद इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनेगी, मतलब इस अपडेट पे कोई वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताएंगे कि क्या 10 मिलियन व्यूज़ 90 डे में ला सकते हैं, क्या चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। हाँ, इसके बाद एक वीडियो, एक टॉपिक पर और वीडियो बनेगी कि अगर 90 डे के अंदर नहीं होता है तो क्या करें, है ना, तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे बाद में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक्सपोज करेंगे इस अपडेट को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर नया जो रूल है, नया जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो देखिए गाइस, नया जो क्राइटेरिया है उसमें आपके दो ऑप्शन है। अगर आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों वीडियो, मतलब दोनों का चैनल है, यानी आप लॉन्ग वीडियो भी डालते हो तो और शॉर्ट वीडियो भी डालते हो, ठीक है, तो आप दोनों वीडियो अपलोड करते रहिए, है ना। अगर आपके चैनल पर 3 मंथ्स में शॉर्ट वीडियो से 10 मिलियन व्यूज़ होते हैं, तब भी आप चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर 1 ईयर में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर हो जाता है, तब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट 90 डे में 10 मिलियन व्यूज़। 10 मिलियन व्यूज़ का मतलब क्या होता है गाइस? 10 मिलियन व्यूज़ का मतलब होता है 1 करोड़ व्यूज़ लास्ट 90 डे में। अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ये करना ईजी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं ईजी है। अभी मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो डाली, 3 घंटे हो गए, सिर्फ 6 व्यूज़ आए उस पर, ठीक है। खैर, मैं शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, कर रहा हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मुझे इस चैनल को करवाना है थोड़ा मोनेटाइज और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज करना है। तो 10 मिलियन व्यूज़ लाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर कोई नया चैनल खोता है ना शॉर्ट वाला, तो उसको तो और ही मुश्किल है ना। हालांकि नई शॉर्ट वीडियो वायरल होती है ना, अगर आप ट्रिक्स लगाओगे तो वायरल होती है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होती, शॉर्ट वीडियो वायरल होती है, ठीक है। तो 10 मिलियन व्यूज़ का मतलब है, अब देखिए 10 मिलियन व्यूज़ का मतलब 1 करोड़, ठीक है। और जो वैसे करती था वो था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शॉर्ट वीडियो को कोई व्यक्ति 2 सेकंड भी देखता है, ठीक है, अब मान लीजिए आपकी एक शॉर्ट वीडियो है, अगर उसी से व्यूज़ होते, तो अगर 2 सेकंड भी वो देखता है ना, इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 5000 घंटे, 5500 घंटे। आप सोचो, वैसे कहते हैं 4000 घंटे का, लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो के 10 मिलियन व्यूज़ को जोड़ें ना, मतलब शॉर्ट वीडियो के 10 मिलियन व्यूज़ को 5000 घंटे वॉच टाइम होगा, वो 2 सेकंड भी अगर कोई देखता है तो 5000 घंटे वॉच टाइम होगा, 5500। तो बताओ 4000 आसान है या 5000? आप बोलोगे 4000। हाँ बिल्कुल, 4000 आसान है, बट लॉन्ग वीडियो में क्या होता है कि वो हो नहीं पाता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में लोग शॉर्ट तो देखेंगे, है ना, तो हो जाएगा आसानी से, है ना। इजी है, थोड़ा मुश्किल भी है, है ना। रेगुलर काम करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर आपको 3 शॉर्ट वीडियो डालनी है, ठीक है, आपको 3 शॉर्ट वीडियो डालनी है रेगुलर, क्या पता कोई शॉर्ट वायरल हो जाए। अगर कोई शॉर्ट वायरल हो गया तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर मेहनत करो, शॉर्ट लॉन्ग वीडियो बना लो, शॉर्ट वीडियो बना लो। अब मैंने आपको कहा था कि कमेंट करो कि आपका क्या कहना है, पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। एक कमेंट आया, वो इस टॉपिक पे नहीं था, तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो गाइस, स्वाभाविक सी बात है कि यूट्यूब ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ यूट्यूब ने घुमाया है हमें, ठीक है। यूट्यूब अपना फ़ायदा चाहता है ना। आप लोग जानते हो कि टिकटॉक ऐप था, तो टिकटॉक से ही यूट्यूब जो है अपना
कंपटीशन करना चाहता है, इसलिए यूट्यूब ने कुछ नहीं किया, कुछ घटाया नहीं बल्कि बढ़ा दिया है ना। आप सोचो ना, शॉर्ट वीडियो को 2 सेकंड भी लोग देखते हैं, वही शॉर्ट वीडियो 1 करोड़ लोग अगर देखते हैं तो वो 5.5 हज़ार यानी 5,000 से ऊपर का वॉच आवर बनता है वो 3 महीने में। कैसे करेंगे? देखो बड़े यूट्यूबर्स के लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटी उम्र यूट्यूबर्स के लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे इस अपडेट में कुछ खास नहीं लगा। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। ठीक है, अब पैसों की बात करते हैं। तो भैया अगर आपका चैनल लॉन्ग मतलब पहले जो चैनल मतलब जो लॉन्ग वीडियो 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वॉच आवर कंप्लीट करके आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो 55% आपको मिलता है, देन 45% यूट्यूब रखता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। आप 5,500 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट भी करो 90 डे में, 1,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करो 90 डे में, लेकिन सिर्फ 45% आपको मिलेगा, है ना। तो इसमें तो आपका घाटा ही है ना, कहाँ फ़ायदा है। इसी वजह तो लॉन्ग वीडियो डालो, अच्छी अच्छी अच्छा अच्छा कंटेंट डालो और चैनल को लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज करो और 55% कमाओ। ठीक है, हाँ एक चीज़ है कि सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल करके 70% वो आपको मिलेगा और 30% यूट्यूब रखेगा। तो स्वाभाविक सी बात है गाइस कि यूट्यूब जो है इसमें अपना फ़ायदा सोच रहा है। ठीक है, हमारा फ़ायदा कुछ नहीं है, हमें तो मेहनत तो वही करनी पड़ेगी, है ना। अब आपको शॉर्ट वीडियो रोज 3 शॉर्ट वीडियो लोगे तब जाके कुछ होगा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना जो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स खुश हैं, ठीक है, वो खुश तो हो जाओ, मैंने कहा खुश मत हो, लेकिन रोज 3 वीडियो डालो शॉर्ट, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल है ना। तो यही अपडेट था गाइस, यही बात थी। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी ना, मनोज दे, जुन्नू की टेक टेक्निकल नहीं होगी और माई स्मार्ट स्पोर्ट, तो इस कॉन्ट्रोवर्सी को भी स्टॉप कर दिया जाए, है ना, क्योंकि टेक्निकल नहीं होगी सर सही थे, है ना, क्योंकि जो मनोज दे सर थे उन्होंने तो भैया बोल दिया 4,000 घंटे कंप्लीट होंगे, मतलब जितने भी लोग थे उन्होंने कहा था 4,000 घंटे कम होंगे, लेकिन मनोज लेकिन योगी सर ने कहा था कि व्यूज़ मतलब व्यूज़ के ऊपर ही अपडेट होगा, है ना। तो यही बात है गाइस, बाकी भाई मनोज सर ने तो ये भी कह दिया कि 55% यूट्यूब रखेगा, 45% उन क्रिएटर्स को मिलेगा, बाकी 10% जो है वो उनको मिलेगा जो रिवेन्यू मतलब कॉपीराइट सॉन्ग वाला है। भाई 100% से ज़्यादा 110% होता है, 100% होता है। तो मनोज सर तो खुद ही मजाक बना देते हैं अपना, है ना, तो मनोज सर का तो क्या ही कहना। तो यही बात है गाइस, ठीक है, और बाकी यही अपडेट था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, बाकी इसका कैलकुलेशन अच्छे से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।